हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइस अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ गाइस। जैसे कि बता दूँ, मैं दवाई खा खा के बिल्कुल परेशान हो रखी हूँ। पूरा मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है, कुछ खाना समझ में नहीं आ रहा है, टेस्टी खाना नहीं लग रहा है और बस ऐसे वो कर रहा है जैसे दवाई का। जब भी ढिकार भी आ रहा है तो दवाई का, रूम में आ रही हूँ तो दवाई का, अजीब सा एकदम माइंड में दवाई का वो ही चढ़ रहा है। पता नहीं अचानक से जब क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। मैं पता है गाइस कैसे काम कर रही हूँ, काम भी ज़्यादा नहीं की हूँ, बट जो भी खाना उना का काम हुआ है मेरा वो मैं थोड़ी देर कर ले रही हूँ, फिर बेड पे लेट जा रही हूँ, फिर 2 मिनट कर रही हूँ, फिर बेड पे। अभी भी किचन में बर्तन क्लीन करके आई हूँ, इवनिंग में चाय बनाई थी ओनली ससुर जी के लिए, मैं चाय भी नहीं पी हूँ क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रहा है। मैं नींबू पानी पी और उनके लिए चाय बना कर दी और फिर लेट गई। फिर अभी उठी हूँ तो बर्तन धोई हूँ, फिर लेटी हूँ तो भिंडी काटी हूँ, भिंडी काट कर अभी छेक लगा कर मैं बैठी हूँ। तो मैं सोची आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ, आप लोग से बता दूँ डॉक्टर मुझे क्या बोला है, क्या डॉक्टर को डाउट लगा है। बहुत इंजेक्शन लेके बुरी हालत, दवाई खा कर बुरी हालत। आज मैं ऑफिस भी नहीं गई क्योंकि उठने का भी हिम्मत नहीं था, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है। और जैसे आप लोग बोल रहे थे दिलों की, श्वेता किसी को घर से बुला लो, सिस्टर को बुला लो, नंद को बुला लो, तो मैं बता दूँ मेरी सिस्टर कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। और मम्मी हैं तो मम्मी गाँव में, पापा रहते हैं, दादी रहती हैं, तो मम्मी इम्पॉसिबल है कि आके मेरे पास रह सकती हैं। ऐसे ही इमरजेंसी में आती हैं बट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि पापा को वहाँ पे खाना बनाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और नंद भी मेरा ही बेचारी, जो स्थिति से मैं झूल रही हूँ वही स्थिति से वो भी झूल रही हैं, तो क्या उनको बुलाऊँ? वो भी कोई माइंड फ्री इंसान नहीं है, सेम हमारे जैसे उनका भी सिचुएशन है। तो गाइस दिखाऊं आप लोग को, एक मिनट वेट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए वो अंकल बांध रहे हैं और मेरी नस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मॉर्निंग में भी ब्लड निकला था तो उसमें तो नस मिल गई थी और मैं सेकंड हैंड में ये इंजेक्शन ले रही थी, इसमें नस नहीं मिल पा रहा था। और मेरे ख्याल से लगता है इंजेक्शन भी दिए तो नस नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द, हद से ज़्यादा दर्द जो होता है वो मैं सहन की इस इंजेक्शन में। और ये मतलब इनको आइडिया नहीं लगा या क्या, इंजेक्शन दिए मतलब रुक जा रहे थे, मैं जब ज़ोर से आवाज़ करने लग रही थी दर्द का तो ये रुक जा रहे थे, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको इंजेक्शन नस में नहीं देने आया। और इतना सूज गया था मेरा हैंड, बिल्कुल काला पड़ गया था वहाँ पे। और ये मेरे से पूछ रहे थे कि सुबह मैं किससे इंजेक्शन ली थी, तो वही हैंड मैं इनको दिखा रही थी कि कौन से हैंड में ली थी। और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ क्योंकि इंजेक्शन से ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ, मुझे कसम से बीमारी से बहुत ज़्यादा डर। ये इंजेक्शन और दवा खा के जो मुंह का टेस्ट अजीब चेंज होता है, ये सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बट मैं जितना डरती हूँ उतना बीमार भी पड़ती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ से परेशान रहते थे, हॉस्पिटल ले जाके कभी तो एडमिट करना पड़ता था, कभी बेचारा बिल्कुल परेशान हो जाते थे, वो भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी हमसे ज़्यादा परेशान वो होते थे क्योंकि उनको घर भी हैंडल करना हो जाता था, ऑफिस करना हो जाता था, बच्चे को हैंडल करना होता था और मुझे भी देखना होता था, एक माँ की तरह मुझे वो केयर करते थे। इतना में वो मेरे सिर सहलाने लगते थे, बहुत ज़्यादा यार बहुत मिस करती हूँ ऐसे ऐसे टाइम पर, ज़्यादा याद आती है उनकी, याद तो हर पल हर सेकंड हर घंटा है, बट ऐसे सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही और रोना मुझे आने लगता है। उनकी यादें इतनी आती है कि
कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि एक वो थे तो कितना मुझे प्यार करते थे, आज मैं अकेले कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं है। उनके बिना दुनिया मेरा कैसे उजड़ा, कैसे चल रहा है वो मुझे पता है। हो गया है ये नेक्स्ट डे, मैं ब्लॉगिंग कल करते करते मेरी तबीयत मतलब कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी तो मैं नहीं कर पाई आप लोग से बात करते करते। मुझे ऐसा लगा था कि अब चक्कर आ रहा है बहुत तेज़, तो मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम है, मैं यहाँ पे पी ली हूँ चाय, देख सकते हो कप खाली हो गया, रखने जा रही हूँ। और मुझे इंजेक्शन लेना है, इंजेक्शन के नाम पर देख सकते हो पसीने कितने, बहुत घबराहट सा फील होता है इंजेक्शन में, मतलब क्योंकि बहुत हार्ड इंजेक्शन है। जैसे कि आप लोग देखोगे इंजेक्शन लेते टाइम कितना बुरा हालत मेरा हो गया था, और जैसे इंजेक्शन के नाम ले रही हूँ वैसे ही पूरा बॉडी में से पसीना आने लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। बट लेना तो पड़ेगा, जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे श्वेता को क्या हो गया है, डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई है, तो मैं आप लोग से शेयर कर दूं, देख सकते हो ये मैं दिखाई हूँ डॉक्टर रंगल के पास जाकर, डॉक्टर विनोद कुमार हैं उनसे दिखाई हूँ मैं। और यहाँ पे ये कुछ चेकअप लिखाया है मेरा, यहाँ पे तो इतना सारा मेरा ये जो है सारा ये दवाई वगैरह लिखे हैं और इंजेक्शन लिखे हैं इतना सारा इसमें, और यहाँ पे ये चेकअप लिखाया है। तो इसमें तीन चेकअप हैं, ब्लड चेक तीन है, जिसमें एक थायराइड का है और दूसरा सेकंड है जो पिकोलाइट का है, तीसरा है जो हमारा किडनी का है। इसलिए हमारा चेकअप लिखाया है कि बॉडी में सूजन क्यों आ रहा है। डॉक्टर अंकल बोल रहे थे बेटा मतलब वीक में आता है, मंथ में आता है, तो मेरा हमेशा ऐसा हो रहा है कि मतलब अपने आप से बॉडी में सूजन आ रहा है, अपने आप से ठीक हो जा रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट सा होने लगा था कि पता नहीं क्या बीमारी है, क्यों ऐसा हो रहा है बॉडी में सूजन अचानक से आना, और मतलब लोगों को लग रहा है कि मैं मोटी होते जा रही हूँ, बट मैं मोटी होती तो हाफ नहीं चढ़ता, मतलब बिगनेस फील नहीं होता, तो ऐसा कुछ हालत हो रहा था मेरे साथ। तो मैं सोची दिखा लूँ, तो दिखाने गई तो ए गाइज रिपोर्ट आएगा मेरा 4-5 दिन बाद, क्योंकि सारे चेकअप दिल्ली होने गया है और यूरिन टेस्ट भी हुआ है, तो सारा चेकअप दिल्ली होने गया है, तो दिल्ली से चेकअप होके आएगा, इसलिए 4-5 दिन टाइम लगेंगे। तो अभी अंकल बट इंजेक्शन और दवा दिए हैं जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं मरने से नहीं डरती हूँ लेकिन बीमारी से डरती हूँ। मरने से तो ऐसा लगता है चलो अचानक से मौत आ जाएगी, कोई पता नहीं मुझे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी, कुछ ज़्यादा बड़ा बीमारी रहेगा, हॉस्पिटल में मुझे रहना पड़ेगा या दवाई के सहारे मुझे जीना पड़ेगा, तो वो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डली होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मुझे कौन दिखाने वाला है, कौन हॉस्पिटल ले जाने वाला है, कोई नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ ये सब चीज़ों से, तो मुझे बहुत घबराहट फील हो रहा है कि मेरा रिपोर्ट क्या आएगा। अब देखती हूँ जैसा होगा गाइस मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा रिपोर्ट में क्या आया है। और कसम से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई हूँ, देख सकते हो मेरा आईज के सामने क्या हुआ है, पूरा डार्क सर्कल आईज पे आ गए हैं। और जब से मतलब अंकल डाउट किए हैं तब से मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मतलब क्या हुआ। थायराइड ही हो तो कोई बात नहीं, इलाज चल लेगी, बट किडनी उडनी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है, रियलिटी बहुत डर है मुझे। तो देखते हैं आगे की तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो गाइस मैं चलती हूँ यहाँ से, अब निकालते हैं अपना इंजेक्शन और इंजेक्शन लेने चलती हूँ। तो यहाँ पे ही जाऊँगी, उस दिन तो मैं डॉक्टर अंकल के पास ले ली थी, बट आज जाऊँगी यहाँ पे गली नंबर 2 में भैया हैं उनके पास जाऊँगी इंजेक्शन लेने। तो ये है हमारा इंजेक्शन और ये है सिरिंज। बहुत डर लगता है, मुझे रोना आता है बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से, तो कोसों दूर रहना चाहती हूँ मैं बहुत।
तो चलिए गाइज, मैं चलती हूँ, ले लेती हूँ फटाफट इंजेक्शन। बस आप लोग दुआ करना कि श्वेता स्वस्थ रहे। और क्या बोलूँ, बस मुझे कोई बड़ा सा बीमारी ना हो। और बाकी तो मैं पूरा कष्ट झेल ही रही हूँ, तो जैसा होगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, जरूर रिपोर्ट आने के बाद आप लोग से शेयर करूंगी। तो गाइस चलिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि जा रही हूँ मैं इंजेक्शन लेने, और बहुत हिम्मत करके जा रही हूँ, धाड़स करके जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो पसीने पर पसीने छूटे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, और जितना मुझे डर लगता है उतना इंजेक्शन मुझे लगता है। तो चलिए आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रही रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा मुझे इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करते रहिएगा। तो फाइनली आप लोग से लेती हूँ विदा, जब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। जाते जाते एक बात बोल देती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली बाय बाय।